और आज आप लोग नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, और जो नया टॉपिक है वो है पजल, जिसको हम लोग पहेली कहते हैं। तो यानी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पजल, पहेली पर आधारित तो समस्याएं यानी प्रश्न। तो पहेली का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझ। पहेली का मतलब होता है किसी बात को सही तरीके से ना प्रस्तुत करके उसको घुमा फिरा के कहना। यानी इसमें कुछ कथन दिए होते हैं, कथन जो होते हैं सरल ना होकर जटिल होते हैं, कठिन होते हैं, तथा अपने अंदर कुछ रहस्य छिपाए होते हैं। जब इन्हीं कथनों को तार्किक तौर पर क्रमबद्ध किया जाता है, अर्थ स्पष्ट करते हैं, इसी को पहेली कहा जाता है। तो पहेली का मतलब होता है जैसे कभी कोई बात पूरी ना करके थोड़ी थोड़ी बात कर दे, क्वेश्चन के ऊपर में थोड़ी सी जानकारी दे दे, बीच में थोड़ी सी जानकारी दे दे, नीचे थोड़ी सी जानकारी दे दे। जब इन्हीं सारे जानकारी को आप मिला देते हैं तो आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन था उसका सारा अर्थ जो है क्लियर हो चुका है। इसी को हम लोग बच्चों पहेली यानी पजल कहा करते हैं। तो पहेली का मतलब आपने देखा कि क्या होता है, कि एक कथन होता है जो सरल ना होकर जटिल होते हैं, अपने अंदर कुछ रहस्य छिपाए होते हैं। जब इन्हीं कथनों को तार्किक तौर पर क्रमबद्ध किया जाता है, अर्थ स्पष्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पहेली कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चंस की बात करें। यही कह रहा, इस प्रश्नावली के अंतर्गत एक कथन दिया जाता है जो सरल ना होकर जटिल होते हैं, अपने अंदर कुछ रहस्य छिपाए होते हैं। जब इन्हीं कथनों को सारणीबद्ध या तार्किक तौर पर क्रमबद्ध किया जाता है, अर्थ स्पष्ट करते हैं, पहेली कहलाती है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निर्देश दिया है कि 6 लड़के हैं जिनका नाम दिया है, मास्टर डिग्री के लिए अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं, विषय दिया है, और ये कह रहा है कि इनमें से 2 हॉस्टल में, 2 पेइंग गेस्ट और शेष अपने घरों में रहते हैं। 8 पेइंग गेस्ट नहीं है, वह दर्शन शास्त्र पढ़ता है, इतिहास तथा सांख्यिकी पढ़ने वाला जो छात्र वो पेइंग गेस्ट नहीं रहता। टी और यस क्रमशः गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, यू और यस हॉस्टल में रहते हैं, टी पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता और क्यू अपने घर में रहता है। इतनी जानकारी आपको दी गई। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 चीजें दी गई हैं, एक आपको विद्यार्थी दिए गए हैं, विद्यार्थी, और एक उनके रहने का स्थान, रहने का स्थान, और एक उनका विषय सब्जेक्ट। ये 3 जानकारी आपको इस पूरे क्वेश्चन में दी गई है। 3 ग्राफ बनाना था, एक विद्यार्थियों का और एक रहने का स्थान और एक विषय यानी सब्जेक्ट का। अब विद्यार्थियों का नाम देखा जाए तो क्या था, विद्यार्थियों का नाम देख रहे हैं पी से लेकर यू तक है बच्चों, तो आप भी पी से लेकर यू तक लिख दीजिए। पी पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी के बाद, यानी 6 विद्यार्थी थे और 6 विद्यार्थी का नाम दिया था, तो आपने नाम यहाँ क्रम बना दिया। अब हमें ये 2 सीक्वेंस भरना है निर्देशों के माध्यम से। ठीक, तो आइए हम निर्देश देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो सारी जानकारी थी। अब इंस्ट्रक्शन में पहला ये कह रहा है कि आर जो है पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता, लेकिन वह दर्शन शास्त्र पढ़ता है। यानी आर का तो सब्जेक्ट यहां क्लियर है, लेकिन अभी रहने का स्थान क्लियर नहीं। कह रहा पेइंग गेस्ट, यानी पेइंग गेस्ट का मतलब पीजी में नहीं रहता। अब देखिए, या तो घर में रहेगा या तो हॉस्टल में रहेगा, 2 ही जानकारी दी गई है आपको। तो आप क्या करेंगे, आर के सामने रहने के लिए छोड़ दीजिए, अभी केवल विषय का कंफर्म कर लीजिए कि आर जो है वो दर्शन शास्त्र पढ़ता है। ये आपको कंफर्म रूप से दिया है, दर्शन शास्त्र मीन्स फिलॉसफी, लेकिन पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता, तो घर और हॉस्टल दोनों में कहीं भी रहेगा, आगे चल के क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते। अभी हमें ये पता ही नहीं कि ये दोनों सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा है, इसलिए इस पॉइंट को भी अभी छोड़ दीजिए, ये पॉइंट फिनिश हो चुका है, इसको लेते हैं। टी और यस क्रमशः गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, पहले टी आया है पहले गणित आया, तो टी गणित और यस को भौतिकी पढ़ाइए।
टी जो है क्या पढ़ा है, गणित पढ़ा है, तो टी के सामने गणित और यस के सामने क्या भौतिकी पढ़ा दीजिए। टी और यस क्रमशः गणित और भौतिकी पढ़ते हैं, तो टी और यस के सामने गणित और भौतिक डाल दीजिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये भी पॉइंट फिनिश हो गया। यू और यस हॉस्टल में रहने की बात कर रहा है। यू कहाँ रहता है बच्चों? यू को भी कह रहा है कि हॉस्टल में रहता है और यस को भी कह रहा है कि हॉस्टल में रहता है। तो यू और यस को हम लोगों ने कहाँ रख दिया? हॉस्टल में रख दिया। यानी आपने देखा ये भी फिनिश हो गया। कह रहा है कि टी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है, क्यू घर में रहता है। तो टी को कह रहा है कि पेइंग गेस्ट है, पीजी पेइंग गेस्ट की तरह रहता है, पेइंग गेस्ट की तरह रहता है, और क्यू को कह रहा है कि घर में रहता है। चलिए, इतनी जानकारी आपको इस पूरे क्वेश्चन में दी गई थी। अगर देखा जाए बच्चों, तो यहां से ये पॉइंट फिनिश हो गया। अब आप देख रहे हैं कि पहला तीसरा, देखिए पहला पॉइंट में अभी भी कुछ बातें थी। कह रहा था कि पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहता, तो आर जो है पेइंग गेस्ट में नहीं रहेगा, और आर जो है या तो घर या तो हॉस्टल में रहेगा, और हॉस्टल में रहने वाले दो व्यक्ति थे, पहले ही दिया गया। कह रहा है कि दो आदमी घर में, दो आदमी हॉस्टल में, दो आदमी पेइंग गेस्ट में रहता है। तो हॉस्टल में रहने वाले दो आदमी क्लियर हो चुका है। अब आर पेइंग गेस्ट में रह नहीं सकता, तो दो खत्म हो गए, बचा केवल एक, क्या घर। इसलिए आर का कन्फर्म हो गया कि आर कहाँ रहेगा? घर में रहेगा। अब घर वाले दो कन्फर्म हो चुके, हॉस्टल वाले दो कन्फर्म हो चुके, तो यानी इसका भी कन्फर्म होगा कि ये कहाँ रहेगा? पेइंग गेस्ट की तरह रहेगा। ये कहाँ रहेगा बच्चों? पेइंग गेस्ट की तरह। क्यों? क्योंकि दो घर में, दो हॉस्टल में, और दो कहाँ रहते हैं? पेइंग गेस्ट में। तो सबका रहने का फिक्स हो चुका है। अब आइए विषय की बात करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे फिनिश हो चुके हैं, केवल एक पॉइंट बचा है। कह रहा है कि इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते। यानी यहां पर इतिहास और सांख्यिकी नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहां पर रहने वाला लड़का पेइंग गेस्ट रह रहा है। अब इतिहास और सांख्यिकी यहां नहीं हो सकता है। तो आपने देखा, क्या देखा, कि सब्जेक्ट कितने हैं? छह हैं, तीन हो चुके हैं, दो हो नहीं सकते। अब कौन सा बचा है वो भी देख लीजिए। देखिए इतिहास सांख्यिकी हो नहीं सकता, गणित और दर्शन शास्त्र भौतिकी हो चुके हैं, केवल एक विषय बच रहा था अंग्रेजी। तो इसलिए हम यहां पर क्या रख सकते हैं? अंग्रेजी रख दीजिए। यहां पर अंग्रेजी क्यों रखे हैं फिर से समझ लीजिए। इसके बारे में कह रहा है कि जो इतिहास और सांख्यिकी पढ़ेगा वो पेइंग गेस्ट नहीं है। यानी यहां पर चूंकि फिक्स हो चुका है कि ये पेइंग गेस्ट है, इसलिए इतिहास और सांख्यिकी पढ़ नहीं सकता। इतिहास सांख्यिकी दो सब्जेक्ट हो चुके हैं और बाकी तीन यहां निकल चुके हैं, क्योंकि ये भी तीनों नहीं हो सकते। तीन दो पांच हो चुके, केवल एक सब्जेक्ट बचा था कि अंग्रेजी। इसलिए ये कन्फर्म हो गया कि अंग्रेजी होगा। अब इतिहास और सांख्यिकी वाले के बारे में केवल इतनी जानकारी है कि वह पेइंग गेस्ट नहीं है। तो यानी इतिहास और सांख्यिकी में दो स्थान यहाँ खाली हैं, लेकिन ये दोनों पेइंग गेस्ट नहीं है। इसलिए जब कंफर्म नहीं है बच्चों, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर इतिहास या सांख्यिकी, इतिहास या सांख्यिकी यहाँ भी लिख सकते हैं ऑब्लिक करके, और यहाँ भी इतिहास, इतिहास या सांख्यिकी जो है ऑब्लिक करके यहां भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों में कंफर्म नहीं था, इसलिए इतिहास या सांख्यिकी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि ये सारा का सारा एक चार्ट बन चुका है, और सभी लोग का कंफर्म हो चुका है कि सभी लोग कहाँ रहेंगे और कौन कौन सा विषय पढ़ेंगे। अब आइए इसी पर हम लोग प्रश्न करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी किसका विषय है, तो अंग्रेजी देखा जाए तो किसका विषय है बच्चों? तो पी का। इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पी। दूसरा देखा जाए तो कह रहा है क्यू का विषय क्या है। अगर हम देखें तो क्यू का जो विषय है क्या है? इतिहास और सांख्यिकी है। यानी क्यू का विषय इतिहास और सांख्यिकी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी क्यू का विषय पूछा था, तो क्यू का विषय इतिहास और क्या होगा? सांख्यिकी होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, कौन से दो व्यक्ति घरों में रहते हैं, तो आइए देखा जाए घर में रहने वाले दो आदमी कौन कौन हैं, तो क्यू आर आर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्यू आर होगा।
कह रहा है कौन से दो व्यक्ति पेइंग गेस्ट में रहते हैं, तो कौन से दो व्यक्ति पेइंग गेस्ट में हैं, एक पी है और एक टी है, तो यानी पी टी होगा। तो पेइंग गेस्ट में रहने वाले कौन है, पी और टी होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। लास्ट ये कह रहा कि पी का विषय क्या है, तो आपने देखा था कि पी का विषय क्या हो रहा था, अंग्रेजी। इतिहास किसका विषय है, लास्ट में ये कह रहा कि इतिहास किसका विषय है, तो आपने देखा कि इतिहास यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यानी क्यू और किसके सामने है, टी के, यू के सामने है। तो इतिहास यहाँ था, इतिहास यहाँ था, क्यू और यू होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों, वो आंसर आया है क्यू और यू, तो यानी इतिहास किसका विषय है, क्यू यू होगा। तो ये आपने देखा कि सारे क्वेश्चन हो गए ये, चूंकि देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है, क्वेश्चन इसमें बड़े होते हैं, बट एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो चार से पांच क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा पैराग्राफ में क्वेश्चन होता है, सारी जानकारी दी होती है, लेकिन जानकारी जो होती वो अधूरी होती, थोड़ी सी जानकारी ऊपर, थोड़ी सी बीच में, थोड़ी सी नीचे, लेकिन सभी जानकारियों को कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चीजें होती हैं। तो पहले जितने सकारात्मक हैं पॉजिटिव हैं उनको फिल कर लीजिए, जितने पॉजिटिव वाले फिल हो जाएंगे तो निगेटिव वाले ऑलरेडी आप देखेंगे कि आगे चल के फिट हो जाते हैं। तो जब भी कभी भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो जो जो पॉइंट कहेगा बच्चों उसको हमें लिखना था। जैसे आपने देखा कि इस क्वेश्चन में छह छात्र बताया था, अलग अलग रहने का स्थान बताया था और अलग अलग विषय में पढ़ रहे थे मास्टर डिग्री के लिए। अब रहने के लिए तीन स्थान, कह रहा दो घर में दो पेइंग गेस्ट हैं और दो कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे हमने फिल किया तो इस क्वेश्चन आ गया। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि साइज में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पांच नंबर दिला देता है, इसलिए पांच कभी भी आप देखेंगे पांच क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ये हमारा इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश में कह रहा कि छह अध्यापक हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रत्येक अध्यापक दो विषय पढ़ा रहा है, एक उसका मुख्य विषय है और एक उसका वैकल्पिक विषय है। तो मुख्य और वैकल्पिक यानी एक मेन सब्जेक्ट है और एक उसका ऑप्शनल है। ई और एफ दो में से एक विषय भौतिकी पढ़ाते हैं, रसायन विज्ञान इनमें से किसी एक का वैकल्पिक विषय है, एफ का आवश्यक विषय गणित है जो ई तथा सी के लिए वैकल्पिक है, डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है जबकि अन्य तीन के लिए मुख्य विषय है, ए का विषय जो है इतिहास और अंग्रेजी है किंतु आवश्यक और वैकल्पिक का क्रम डी के विपरीत है, कॉलेज में एकमात्र महिला अध्यापक है जिसका मुख्य विषय अंग्रेजी है। अब आइए, तो आपने देखा कि हमें तीन क्या बनाना है, यहाँ पर तीन चार्ट बनाने, तीन बॉक्स, तीन कॉलम बनाने, एक अध्यापक का और दो विषय का, विषय में भी मुख्य और क्या वैकल्पिक। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपने देखा कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, अध्यापक या कह लीजिए हाँ अध्यापक के बारे में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टीचर की बात करेंगे, अध्यापक की बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टीचर हो गया, टीचर हो जाएंगे, फिर उनका मुख्य विषय लेते हैं, फिर उनका मुख्य विषय हो गया मुख्य विषय, और फिर आगे लेते हैं तो वैकल्पिक हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा, वैकल्पिक विषय, ठीक वैकल्पिक विषय होगा। तो आपने देखा कि टीचर है मुख्य विषय है वैकल्पिक विषय है, तो टीचर में नाम था ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, छह अध्यापक हैं, तो छह अध्यापक का नाम आपने लिख दिया। चलिए अब आइए देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ई तथा एफ का दो में से एक विषय भौतिकी है। अब दोनों में से एक है लेकिन कौन है ये कंफर्म नहीं है, और जो जानकारी कंफर्म नहीं होती उसको अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में कंफर्म हो जाएगी। अगला कह रहा है कि रसायन विज्ञान इनमें से किसी एक का वैकल्पिक है, ये भी कंफर्म नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बच्चों यब का आवश्यक विषय क्या है, गणित है जो ई तथा सी के लिए वैकल्पिक है। तो यब का मुख्य या आवश्यक विषय क्या कह रहा है, गणित कह रहा है, एफ का मुख्य विषय गणित है जो ई तथा सी के लिए वैकल्पिक था, तो यानी ई के सामने भी गणित लिखेंगे वैकल्पिक में,
और सी के सामने भी गणित में हम लिखेंगे वैकल्पिक। तो आपने देखा कि ये पॉइंट फिक्स है, पॉइंट ये कह रहा है कि यव का मुख्य या आवश्यक विषय गणित है, जबकि ई तथा सी के लिए क्या है, वैकल्पिक विषय है। तो आपने देखा कि बच्चों ये भी पॉइंट अब कन्फर्म हो गया कि ई तथा यव का दो में से एक विषय क्या है, भौतिकी है। यानी ये पॉइंट अब कन्फर्म हो गया कि ई और यव का दो में से एक विषय भौतिकी है। तो यानी इसका भौतिकी इधर होगा, क्योंकि इधर हो नहीं सकता ई तथा यव का, और इसका भी एक विषय भौतिकी है, तो यहां हो नहीं सकता, इसलिए यहां हो जाएगा। ये भी पॉइंट फिक्स हो गया, लेकिन हम पहले फिक्स करते तो यहां यहां कहां लेते, नहीं कन्फर्म था। लेकिन अब ये कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि ये पॉइंट बता दिया कि यव का आवश्यक विषय गणित है, मुख्य मतलब आवश्यक, आवश्यक विषय गणित है, जबकि ई तथा सी के लिए वैकल्पिक था। तो यानी इसका गणित इधर हुआ, इन दोनों का गणित इधर हुआ। तो जो एक पॉइंट पहला छूटा था कि ई तथा यव का दो में से एक विषय भौतिकी है, तो इसका भौतिकी इधर हो गया और इसका भौतिकी इधर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा, क्या देखा कि यहां तक हो चुका है। अगला कह रहा है कि डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है। डी का वैकल्पिक विषय बच्चों क्या है, इतिहास है। तो डी के सामने यहां पर इतिहास लिख लेते हैं। डी का वैकल्पिक विषय क्या है, इतिहास है। और आगे ये कह रहा है कि जबकि अन्य तीन के लिए मुख्य विषय है। अब आइए अन्य तीन की बात कर रहा है, बात डी की कर रहा है कि डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है, जबकि अन्य तीन, अन्य तीन में देख रहे हैं कि अब डी अपने लिए अन्य का तो प्रयोग करेगा नहीं, तो तीन में केवल यही तीन बच रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का भी पूरा हो चुका है। यानी कह रहा है कि डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है, जबकि अन्य तीन के लिए मुख्य है। तो यानी अन्य तीन में कौन कौन आएगा बच्चों, तो एक आएगा ए, और एक आएगा बी, और एक आएगा सी। अन्य तीन के लिए जो है वो क्या है, मुख्य विषय है। तो आपने देखा कि यही पॉइंट हमने यहां बना दिया। कह रहा है कि डी का वैकल्पिक विषय इतिहास है, जबकि अन्य तीन के लिए मुख्य विषय है। तो आपने देखा कि इसके सामने इतिहास डाला, अन्य तीन में यही तीन बच रहे थे, क्योंकि इन दोनों का पहले ही हो चुका था। डी की बात हो रही, डी अपने लिए अन्य का प्रयोग करेगा नहीं, इसलिए यहां बना दिया। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए का विषय इतिहास और अंग्रेजी है। ए का इतिहास भी हो चुका है और क्या होगा, अंग्रेजी होगा। ए का विषय इतिहास और अंग्रेजी हो चुका है। आगे देखा जाए, किंतु आवश्यक एवं वैकल्पिक का क्रम डी के विपरीत है। आवश्यक और वैकल्पिक डी के विपरीत है। यानी डी के विपरीत कहने का मतलब ये दोनों इस तरीके से हैं। कह रहा है कि जो ए का विषय है और जो डी का है वो क्या है, एक दूसरे का, यही देख लीजिए। कह रहा है यहां देखिए, किंतु आवश्यक और वैकल्पिक का क्रम डी के विपरीत है। ए का विषय इतिहास और अंग्रेजी था, किंतु आवश्यक और वैकल्पिक का क्रम डी के विपरीत है। तो ए का जो है डी के विपरीत है, तो इसका यहां था तो इसका इधर हो गया, इसका इधर है तो इधर हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, जो क्रम है उनका विपरीत हो गया। ठीक है, तो विपरीत का मतलब इसका मुख्य था तो इसका आवश्यक हुआ, इसका वैकल्पिक था तो इसका आवश्यक हो गया। अब ये कन्फर्म हो चुका है। अब यहां तक देख रहे हैं, कॉलेज में एक मात्र महिला है जिसका मुख्य विषय अंग्रेजी है। अब देख रहे हैं कि मुख्य विषय अंग्रेजी किसका है, तिसका है, तो यानी ये पेशे से महिला हो जाएगी, बाकी सारे पुरुष हैं। भाई लास्ट पॉइंट यही कह रहा है कि कॉलेज में एक मात्र महिला है जिसका मुख्य विषय अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी मुख्य विषय इसका था, तो यानी ये महिला हो गई। अब एक पॉइंट यहां बचा था, क्या बचा था, रसायन विज्ञान, इनमें से किसी एक का वैकल्पिक विषय है। तो आप देख रहे हैं कि वैकल्पिक विषय में इनमें से देखा जाए, यानी छह में से यही एक बच रहा है, यही एक बच रहा है, यानी इसका कंफर्म हो गया कि बच्चों इसका जो वैकल्पिक विषय होगा वो क्या होगा, रसायन होगा। तो इसलिए यहां रसायन डाल दीजिएगा। ये देख रहे हैं, देखा आपने कि जो जानकारी थी पूरी पूरी हो गई। आपने देखा कि पूरा चार्ट बन चुका है और ये कंफर्म हो गया कि कौन सा आदमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, कौन उसका मुख्य है और कौन सा उसका वैकल्पिक है। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। सी का आवश्यक विषय पूछा है, तो सी का आवश्यक विषय आपने देखा कि क्या है, इतिहास है, इसलिए इतिहास हो गया। किन किन का आवश्यक विषय इतिहास है, तो ए बी सी, ए बी सी का जो आवश्यक विषय है, मुख्य विषय है क्या है, इतिहास है।
आगे देखा जाए महिला कौन है, तो महिला कौन है बच्चों, डी महिला है भाई, जिसका मुख्य विषय अंग्रेजी था वही महिला है, तो डी महिला हो चुकी है। अब कह रहा रसायन विज्ञान किसका वैकल्पिक विषय है, तो रसायन विज्ञान आपने देखा कि रसायन विज्ञान किसका वैकल्पिक विषय था, तो बी का था। और आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी किसका वैकल्पिक विषय है, तो अंग्रेजी देख रहे हैं किसका वैकल्पिक विषय है, तो ए का। इसलिए जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन से पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से पांच क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया है, चार मित्र हैं किरण, नंदू, संजय, पंकज, इनमें से एक शतरंज खेलता है, कंप्यूटर भौतिक शास्त्र पढ़ता है, किरण और नंदू हॉकी खेलते हैं, किरण इंजीनियरिंग पढ़ती है, दोनों हॉकी खिलाड़ी गणित पढ़ते हैं, और पंकज एक क्रिकेट खिलाड़ी है, हॉकी के खिलाड़ी रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं, सभी मित्र दो विषय पढ़ते हैं और एक खेल खेलते हैं। चलिए यहाँ पर दो बॉक्स यहाँ भी बनेगा। अगर हम यहाँ सोल्यूशन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि एक तो मित्रों का होगा, तो मित्र हो गए, और एक उनके खेल का हो गया, और एक उनके विषय का हो गया। चलिए ये आपका डायग्राम बनेगा। अब आइए देखा जाए तो क्या नाम है, किरण, नंदू, संजय, पंकज। एक किरण है, किरण के बाद नंदू, नंदू के बाद संजय, संजय के बाद पंकज। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है देखिए इनमें से एक शतरंज खेलता है, लेकिन कौन खेलता भी ये पॉइंट कंफर्म नहीं है, ये पॉइंट हो चुका है बना दिया हमने, और कंप्यूटर भौतिक शास्त्र पढ़ता है। चलिए कह रहा है कि इनमें से एक शतरंज खेलता है और कंप्यूटर तथा भौतिक शास्त्र पढ़ता है, ठीक है। किरण और नंदू हॉकी खेलते हैं, यहां से देखा जाए किरण और नंदू क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो किरण के सामने हॉकी, और किरण और नंदू जो है हॉकी खेलते हैं, तो उन दोनों के सामने हमने हॉकी लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं, किरण इंजीनियरिंग पढ़ती है, तो किरण के आगे इंजीनियरिंग भी लिख देना है, इंजीनियरिंग विषय हो गया ये, ठीक है, यानी यहां तक हो गया। आगे देखा जाए दोनों हॉकी के खिलाड़ी गणित भी पढ़ते हैं, यानी दोनों हॉकी के खिलाड़ी को हम लोग क्या पढ़ा दें, गणित, यानी इसका भी एक विषय गणित हो गया, ठीक है, और इसका भी एक विषय क्या लिख देते हैं, गणित हो गया। आइए पंकज एक क्रिकेट खिलाड़ी है, तो पंकज के सामने क्रिकेट खिलाड़ी लिखिए, पंकज के सामने क्या है, क्रिकेट हो गया, पंकज एक क्रिकेट खिलाड़ी हो गया। और आगे कह रहा है कि एक हॉकी खिलाड़ी रसायन शास्त्र भी पढ़ता है, अब एक हॉकी खिलाड़ी केवल यही बचा, क्योंकि हर मित्र जो है दो विषय पढ़ते थे, इसके दो हो चुके थे, एक हॉकी खिलाड़ी में केवल नंदू बचा है, तो नंदू का जो विषय होगा वो क्या हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, यानी ये भी पॉइंट आपने देखा कि कंफर्म हो गया, ठीक है। अब सभी मित्र दो विषय पढ़ते हैं और एक खेल खेलते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी गणित और कंप्यूटर पढ़ता है, लास्ट वाला भी पॉइंट देख लेते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो गणित और कंप्यूटर पढ़ता है, तो क्रिकेट खिलाड़ी को गणित पढ़ा दीजिए और क्या पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर हो जाएगा। अब आइए देखा जाए तो यहां पर एक पॉइंट, ये यहां तक पूरा हो चुका, तो ऊपर एक पॉइंट बचा है, इनमें से एक शतरंज खेलता है, कंप्यूटर और भौतिक शास्त्र पढ़ता है, यानी अब एक बचा है, यानी संजय, संजय जो है वो क्या करेगा, शतरंज खेलेगा और कंप्यूटर तथा भौतिक शास्त्र पढ़ता है, कंप्यूटर तथा भौतिक शास्त्र पढ़ा दीजिए, भौतिक। तो आपने देखा कि ये पूरा बॉक्स बन चुका, आपने देखा कि मित्रों का नाम था, चार मित्र थे, हर मित्र एक खेल खेलता था, दो विषय पढ़ते थे, तो सब कुछ फाइनल हो गया, जैसे कहा था वैसे भर दिया।
कौन इंजीनियरिंग पढ़ती या पढ़ता है और हॉकी भी खेलता है या खेलती है लिखा। तो आपने ये देखा कि यहां पर आंसर क्या होगा, किरण, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ने वाली कौन है, किरण है, तो पहले का आंसर किरण होगा। कौन भौतिकी पढ़ता या पढ़ती है, अगर देखा जाए तो भौतिकी यहां है और भौतिकी कौन पढ़ा है, संजय, इसलिए जो आंसर होगा मित्रों वो क्या होगा, संजय हो जाएगा। तीसरा देखिए, कौन शतरंज खेलता है, तो अभी आपने देखा कि शतरंज खेलने वाला आदमी कौन था, संजय था, संजय ही था जो शतरंज खेल रहा था। इनमें से कौन गणित नहीं पढ़ता या पढ़ती है, तो गणित अगर देखा जाए तो ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, गणित नहीं पढ़ने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है, संजय, इसलिए इसमें भी आंसर संजय ही होगा। पांचवा क्वेश्चन, चार मित्रों द्वारा कुल कितने खेल खेले जाते हैं और कितने विषय पढ़े जाते हैं, तो खेल देखा जाए तो हॉकी एक, दो, तीन, देखिए तीन खेल हैं क्योंकि हॉकी एक ही है, शतरंज और फुटबॉल क्रिकेट तीन खेल हो गए, और विषय देखा जाए खेल कितने हो गए, तीन, और विषय देखते हैं तो एक दो तीन चार पांच और पांच होंगे। तो आपने देखा कि क्या देखा कि तीन खेल खेले जाते हैं और कुल कितने विषय हैं, तो यहाँ जो आंसर होगा चार मित्रों द्वारा कुल कितने खेल खेले जाते हैं और कुल कितने विषय पढ़े जाते हैं, तो ऑप्शन में बच्चों इस तरीके से ऑप्शन थोड़ा सा ये गलत है, इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर तो आंसर तीन पाँच होगा। यानी आपने देखा क्या देखा कि खेल कितने खेले जाते हैं, तीन, और विषय कितने पढ़े जाते थे, पांच, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर तीन या पांच होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपने देखा किस तरीके से दिया है, कह रहा सात मित्र हैं, सातों का नाम दे दिया है, और तीसरी चौथी पांचवी छठवीं तीसरी से लेकर देख रहे नौवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनमें से प्रत्येक का पसंदीदा रंग हो गया है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपने देखा सबसे पहले मित्र दिया है, तो मित्र का बना लीजिए। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहले हम मित्र बना लेते हैं बच्चों, इस तरीके से मित्र बनाएंगे, और मित्र के बाद कक्षा बनाते हैं, कक्षा, और कक्षा के बाद यहां पर रंग, यानी रंग बना लेते हैं, तो तीन बॉक्स बनेगा। भाई देख रहे हैं मित्र है, कक्षा है, और पसंदीदा रंग हो गया, तो यहां तक सभी हो गया। अब आगे ये कह रहा है कि जे को लाल पसंद है और वह पांचवी कक्षा में पढ़ता है, तो पहले मित्रों का नाम लिख दें, एम वी के डी, देखिए मित्रों का नाम एम है, वी है, के है, डी है, एम वी के डी हो गया है, और आगे देखा जाए टी जे जेड है, टी है, जे है, और जेड है। तो आपने देखा कि ये नहीं आर है, सॉरी, यहां पर बच्चों देखा जाए तो आर है, यार है, यार हो जाएगा। भाई हमने सबका नाम लिख दिया, कह रहा है कि जे को लाल पसंद है, वह पांचवीं कक्षा में पढ़ता है, कह रहा है कि जे पांचवीं कक्षा में पढ़ता है, और कह रहा है कि वह लाल रंग पसंद करता है, तो यानी इसके सामने लाल कर देते हैं, ठीक है। तो जे जो है कक्षा पांच में पढ़ा है और लाल रंग को पसंद करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है कि आर बैगनी रंग पसंद करता है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो आर जो है तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है और बैगनी रंग पसंद करता है, तो यानी इसके सामने बैगनी डाल दीजिए, ठीक, यहां तक हो गया बैगनी, यहां हो गया। एम आठवीं कक्षा में पढ़ता है, एम के बारे में कह रहा है कि आठवीं कक्षा में पढ़ता है, हरा और पीला पसंद नहीं है, एम जो है आठवीं कक्षा में पढ़ता है, और आपने देखा कि हरा और पीला कह रहा पसंद नहीं है, तो कट कर लेते हैं दोस्तों, आगे चल के देखेंगे, उसे हरा और पीला दोनों पसंद नहीं था। आगे आपने देखा कि यहां तक हो चुका है, हरा पीला पसंद नहीं है, और आगे कह रहा के को सफेद रंग पसंद है और वह सातवीं और चौथा में नहीं पढ़ता है, तो के सफेद रंग पसंद है और वह सात और चार में नहीं पढ़ेगा, तो के सामने सफेद लिखेंगे,
के सामने यहां सफेद लिखेंगे, वह चार और सात में नहीं पढ़ता है, ये आपको जानकारी दी है, तो चार सात यहां लिख देते हैं। और देखते हैं बच्चों, चार और सात में नहीं पढ़ता, डी छठवीं कक्षा में पढ़ता है, उसे काला रंग पसंद है, तो डी जो है कक्षा छह में पढ़ेगा और उसे कौन सा रंग पसंद है, काला रंग पसंद है, ये भी कंफर्म हो गया। यानी ये पॉइंट यहां से यहां तक कंफर्म हो गया। टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, वी को हरा पसंद नहीं है। टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है और वी को हरा पसंद नहीं है। चलिए, इतनी जानकारी आपको पूरे प्रश्न में दी गई थी। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए बच्चों, आपने देखा कि जितने पॉजिटिव थे वो मैंने लिखा, जितने निगेटिव थे वो लिखा। जैसे इसके बारे में था कि अच्छा आठ में पढ़ता लेकिन हरा पीला पसंद नहीं करता, इसके बारे में हरा पसंद नहीं था, ये चार सात में नहीं पढ़ा, ये चार में नहीं पढ़ता, बाकी सारे पॉजिटिव थे। तो हमने पॉजिटिव और निगेटिव जितने थे सबको लिख दिया। अब देखिए हमें इसको सेट करके इतनी जानकारी है और इस जानकारी से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं। तो अगर हम कक्षा की बात करें बच्चों, तो कक्षा में देखा जाए एक दो तीन चार, चार कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और ये दो कक्षा में नहीं पढ़ता। भाई चार दो कितने हो गए, छह, जबकि लड़के कितने हैं, सात। तो आपने देखा कि कक्षा जो दिया है वो कहां से दिया है, तीसरे से शुरू करके नौ तक दिया। यानी अगर कक्षा देखा जाए तो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ये कक्षाएं हैं। अगर हम चार की बात करें, देखिए के की बात करते हैं बच्चों, तो के की अगर हम बात करें तो के जो है ना ही छह में पढ़ सकता है, नहीं चार में नहीं पढ़ सकता, पहले ही दिया है, छह में नहीं पढ़ सकता क्योंकि कंफर्म हो गया है, पांच में नहीं पढ़ता कंफर्म हो गया, तीन में नहीं पढ़ सकता कंफर्म हो गया, और आठ में नहीं पढ़ सकता कंफर्म हो गया। अब आपने देखा कि के जो है सिर्फ, देखिए के बारे में था कि सात में भी नहीं पढ़ सकता। अगर हम ध्यान से देखें तो के ना तो तीन में चार में पांच में छह सात आठ में नहीं पढ़ सकता, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, नौ। तो यानी के की जो कक्षाएं हैं वो कंफर्म हो गई कि नौ में जाएगा। अब आइए इन दोनों का कक्षा बचा है और अभी तक दो कक्षाएं बची हैं, एक चार बचा है और एक सात बचा है, और ये कह रहा है कि चार में नहीं पढ़ता, तो चार में नहीं पढ़ेगा बच्चों तो कहां पढ़ेगा, सात में। अब केवल इसका बचा है तो इसलिए इसकी कक्षाएं क्या होगी, चार। तो ये आपने देखा कि सारे के सारे जो कक्षाएं थी वो फिक्स हो चुकी हैं, जितने भी लोग थे इसकी भी कक्षा फिक्स हो चुकी, सारे लोगों की कक्षाएं यहां पर फिक्स हो चुकी हैं। इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं सारे लोगों की कक्षाएं फिक्स हो चुकी हैं। अब आइए हम कलर की बात कर लेते हैं। अगर हम कलर की बात करें बच्चों, तो आपने देखा क्या देखा कि यहां पर हरा पीला नहीं हो सकता, देखिए इन दोनों में हरा नहीं हो सकता, समझिएगा मेरी, यहां भी ग्रीन था यहां हरा, इन दोनों में हरा नहीं हो सकता, तो यानी कंफर्म है कि हरा यहां होगा, ये कंफर्म हो जाएगा। अब आपने देखा कि यहां पीला भी नहीं हो सकता, तो यानी पीला हमारा नीचे हो जाएगा, ये पीला इधर हो जाएगा, और एक कलर अभी तक और बचा है। अब हमें देखना है कि वो कलर कौन सा है। अगर हम कलर की बात करें तो एक कलर सफेद बच रहा है बच्चों, सफेद हो चुका है, चलिए सफेद के बाद बैगनी बच रहा है, तो एक आपने देखा बैगनी भी चूंकि हो चुका है, एक कलर कौन सा बचा है। अगर हम कलर की बात करें तो पीला नीला लाल हरा सफेद काला नीला, तो नीला अभी तक नहीं हुआ था इसलिए यहां पर नीला हो जाएगा। अपने आप सब कंफर्म हो जाते हैं, जितने भी पॉइंट हैं वो अगर देखा जाए बच्चों तो सारे के सारे जो पॉइंट थे वो अपने आप, निगेटिव को आपने पॉजिटिव बना दिया, तो इस तरीके से सब पूरा का पूरा बॉक्स बन गया, सब बन गया, निगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो चुके हैं। अब आइए हम प्रश्न की बात करें, एम का पसंदीदा रंग, अगर देखा जाए तो यम यहां है, यम का पसंदीदा रंग क्या है, नीला है, इसलिए पहले का आंसर डी होगा। वी को कौन सा पसंदीदा रंग है, वी का पसंदीदा रंग, तो वी का पसंदीदा रंग पीला है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पीला होगा। आगे देखा जाए कि किस कक्षा में वी पढ़ता है, वी की कक्षा पूछा है, तो वी जो है कक्षा किस में पढ़ा है, चार में, यानी वी की कक्षा क्या होगी, चौथी। किस कक्षा में के पढ़ता है, तो के की कक्षा पूछ रहा है, तो के की कक्षा देखिए के किस कक्षा में पढ़ रहा है, कक्षा नौ में, तो अगर हम के की कक्षा देखा जाए तो के की कक्षा जो होगा इनमें से कोई नहीं,
तीसरी पांचवी चौथी सातवीं दिया था और आप देख रहे हैं कि के की जो कक्षा है वो नौ में है, इसलिए यहां नौवीं होना चाहिए था। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। और लास्ट देखिए किस कक्षा में टी पढ़ता है, तो टी की कक्षा पूछ रहा है और टी की कक्षा देखा जाए तो बच्चों सातवीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सात होगा। इस तरीके से आपने देखा कि सारे के सारे जो हमने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। तो मतलब ये हमेशा दिमाग में आपको सेट करके रखना है। क्या सेट करके रखना है कि कभी भी बच्चों, कभी भी अगर आपको पजल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर कभी भी पजल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पजल में देखिए क्या क्या जानकारी दी है, उन जानकारियों को आप बॉक्स बनाइए। जितना पहले पॉजिटिव है वो भर लीजिए, जितने निगेटिव हैं वो लास्ट में चल के आप देखोगे कि पॉजिटिव होंगे, और जब आप पॉजिटिव कर देते हो तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा चार्ट बन जाएगा और हर आदमी का क्या कौन सा क्या रंग है या कौन सी कक्षा, वो सारे के सारे कन्फर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी घबराते नहीं क्वेश्चन की साइज देकर, बस क्वेश्चन में जो जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्सों को रखिए, उनका एक बॉक्स बना लीजिए और फटाफट जैसे कह रहा है उसको भर दीजिए और आप देखेंगे किस तरीके से आपके पूरे के पूरे जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पजल का टॉपिक। तो आज की क्लास यहीं तक है, आगे हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।